स्वास्थ्य केंद्र 2 साल पहले 1 करोड़ की लागत से अस्पताल भवन बनने से काफी खुश थे। उन्हें लगा था कि उन्हें इलाज के लिए अब गांव से बाहर नहीं जाना होगा, परंतु सारी उम्मीद बिखर कर रह गई। जिस समय अस्पताल का निर्माण हुआ था, स्वास्थ्य विभाग के अभाव में कई लोगों की जान चली जाती। सरकार के प्रयास से ग्रामीणों की मांग पर अस्पताल तो बना, लेकिन सुविधा से अभी भी ग्रामीण वंचित रहे। खिड़की और चार दीवारी से बने लोहे के ग्रिल हुए चोरी, एक भवन की खिड़की के शीशे तोड़ दिए हैं और वो गायब हो गए। कुछ के गायब होने की कगार पर है, यहाँ तक कि कीमती कई सामग्री भी अस्पताल भवन से गायब हो गई। लेकिन यह अभी तक तय नहीं हो रहा है कि ये भवन किसके लिए और क्यों बना है। भवन तो रात में असामाजिक तत्वों का द्वारा आलीशान भवन रविवार की रात को बने चार दीवार के ऊपर बने लोहे के ग्रिल को चोरी कर ले गए हैं। यहाँ अस्पताल में रखरखाव के कारण, देखभाल न करने के कारण सभी कीमती सामान गायब धीरे धीरे हो रहा है। सरकारें बदलती रही, राजनीतिक दावे होते रहे, लोगों को आश्वासन मिलता रहा, परंतु स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी बीमार। चतरा जिले के हंटरगंज पांडेपुरा में लगभग 30 से ऊपर गांव है, लेकिन बीमार व्यवस्था की करोड़ों का अस्पताल भवन पोल खुल रही है। ग्रामीण क्षेत्र मैदान के समीप 2 साल पहले बने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी बेकार पड़ा हुआ है। इस अस्पताल भवन का उपयोग आज तक नहीं हुआ, जबकि भवन का उपयोग शुरू कर यहां इलाज की व्यवस्था शुरू करने से कई गाँव के लोगों को फायदा होगा। पांडेपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, करोड़ों की लागत से भवन निर्माण किया गया है। अभी तक यहाँ पर किसी तरह का ना कोई डॉक्टर है, ना नर्स है, ना किसी तरह का सुरक्षा प्रहरी है। रात्रि में यहाँ पर सामान भी चोरी होना शुरू हो गया है, और किसी भी तरह का कोई राजनीतिक लोग का ध्यान नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर दिया जाए। मात्र के इकलौता गाँव में बनाया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पांडेपुरा में है, अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, ना कुछ डॉक्टर है, ना नर्स है। हम चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण समस्या को सरकार तक बात पहुंचाया जाए और यहां पर जल्द से जल्द डॉक्टर एवं नर्स का एवं सुरक्षा प्रहरी का व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग को सुविधा हो सके। इस प्रकार से धीरे धीरे सुरक्षा प्रहरी नहीं होने के कारण यहां पर स्वास्थ्य केंद्र से रात्रि में यहां पर का सारा सामान भी कुछ कुछ चोरी होना शुरू हो गया है, और किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह प्रकार से जो चोरी हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हॉस्पिटल से इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी सामान गायब हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यह बात सरकार तक पहुंचे और यहां पर सब R9 भारत के लिए पांडेपुरा से रिपोर्ट।